हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शराब के बारे में कि उसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे शराब पूरी दुनिया में फैल गया। शराब सबसे पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पाया जाता था और उस समय शराब को फ्रूट जूस और हनी से बनाया जाता था, जो कि चाइना में 6000 BC में था। और इंडिया में शराब को चावल के पानी को गर्म करके बनाया जाता है। और ग्रीक्स वो थे जिन्होंने वाइन्स को पॉपुलर किया था। जब वो अपने वाइन गॉडेस को पे करते थे तो वो उस समय एक ड्रिंक चढ़ाते थे जिसको वो हनी और पानी से बनाते थे, और वहाँ भी उसको ज्यादा पीना मना था। उसके बाद ड्रिंक्स और डेवलप अमेरिका में हुए, वहाँ उसको कॉर्न एप्पल और ग्रेप से बनाया जाता था और उसको चीचा के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद अल्कोहल को मेडिकल पर्पज के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा और उसके बाद से शराब बहुत लोगों में आम हो गई। 1920 में US गवर्नमेंट ने उस पर टोटल बैन लगा दिया, मगर वो फिर 1933 में अनबैन हो गया। फिर लोग धीरे धीरे उसके आदी हो गए। और क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे महंगी शराब की बोतल कौन सी है? वो है कॉग्नैक नाम की बोतल, जिसकी कीमत $1.9 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज में 14 करोड़ से भी ज़्यादा है। गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।